हेलो दोस्तों, आज आपको वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि एक व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि सीआरटीटीवी का जो हॉरिजॉन्टल योक कॉइल का जो वायर होता है वो लगाने का बाद सीरीज लाइन टूल ग्लो हो जाता है। जस्ट इतना कमेंट है। तो दोस्तों अभी बात है कि इतना कमेंट का ऊपर आंसर कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि फर्स्ट उसको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा पीसीबी है। मतलब नॉर्मल पीसीबी हो सकता है, अल्ट्रा स्लिम दोस्तों वो अलग पीसीबी है, दोनों पीसीबी का डिफरेंस बहुत है, तो ये भी बताना पड़ेगा। और दोस्तों वो यही नहीं बताया कि सीरीज लाइन से वो टेस्ट किया और डायरेक्ट लाइन देगा, तो मतलब ये कॉइल कनेक्शन करने के बाद डायरेक्ट लाइन से सप्लाई देने के बाद क्या होता है ये भी बताना चाहिए, तब मैं सही से आंसर दे सकता हूँ। तो चलिए, जो कॉमन आया कि हॉरिजॉन्टल वायर लगाने का बाद सीरीज लाइन फुल ग्लो हो जाता है, तो इसका रीज़न क्या है, तो ये वीडियो के अंदर मैं पूरा विस्तार से डिस्कस करने के लिए कोशिश करूँगा। ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, न्यू टेक्नीशियन होगा तो ज़रूर कुछ फ़ायदा मिलेगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये एलजी का एक सीआरटी पीसीबी है, ये नॉर्मल सीआरटी पीसीबी है, बट कुछ भी सीआरटी पीसीबी हो सकता है। सॉफ्ट पावर मैं थोड़ा डिस्कस करने के लिए कोशिश करूँगा। फर्स्ट चलिए पावर सप्लाई से मैं शुरू कर रहा हूँ कि देखिए कुछ भी सीआरटी पीसीबी हो सकता है। पावर सेक्शन तो दोस्तों अलग होता है कि ये जो पावर सेक्शन हॉट सेक्शन का अंदर ही होता है, सभी हॉट सेक्शन और कूल सेक्शन का अंदर डिवाइड किया जाता है। जिस तरह ये जो बॉर्डर आप देखिए, ये जो बॉर्डर देख रहे हो, ये जो बॉर्डर का अंदर जो होता है ये हॉट सेक्शन होता है, ठीक है। ये जो बॉर्डर देखिए हॉट सेक्शन, ये हॉट सेक्शन का अंदर पावर सेक्शन होता है। ये हॉट सेक्शन का साथ पावर सेक्शन का कुछ भी संपर्क नहीं है। मतलब मैं जो बताना चाहता हूँ कि ये पावर सेक्शन अलग से जो वोल्टेज तैयार करता है, तो ये चॉपर जो होता है, चॉपर का ये जो प्राइमरी साइड है, ये प्राइमरी साइड से इसका सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज मैग्नेटिंग का वजह आउटपुट होता है, ठीक है। मैग्नेटिंग होने का वजह ये चॉपर से वोल्टेज आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी दो चार वीडियो क्लियर करके बनाया, पूरा क्लियर करके, बट आज का जो टॉपिक है कि ये कॉइल वायर लगाने का बाद सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है, तो उसका पहले ये भी जानना जरूरी कि सीरीज बल्ब फुल ग्लो क्यों हो जाता है। तो पूरा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ कि सीरीज लाइन से जब सप्लाई, ये दोस्तों एसी इनपुट पॉइंट है, यहाँ पर इनपुट होता है, एसी इनपुट पॉइंट है, एसी वोल्ट डायरेक्ट यहाँ पर इनपुट होता है। तो ये लाइन का अंदर बीच में सीरीज बल्ब होगा, तो दोस्तों सीरीज बल्ब के बारे में जिसका कुछ भी नॉलेज नहीं है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लो ये सीआरटी का पीसीबी है, ये सीआरटी का पीसीबी है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकता है, कुछ भी पीसीबी हो सकता है जिसका अंदर एसी सप्लाई इन होता है, ठीक है। जिसका अंदर एसी सप्लाई इन होता है, मान लो ये दो पिन पर एसी सप्लाई इन होना चाहिए, तो इसका पहले सीरीज लाइन से आप सप्लाई देगा, तो मान लो ये मेन घर का मेन एसी पॉइंट है, ठीक है, एसी पॉइंट है, ये से सप्लाई ये जैक का थ्रू ये आना चाहिए, ठीक है। जैक का थ्रू फेज और न्यूट्रल इस तरह आता है, ठीक है। बीच में दोस्तों इसका अंदर मतलब दो वायर होता है, बीच में एक सीरीज, मतलब एक सीरीज बल्ब, ठीक है। ये सीरीज बल्ब से जब सप्लाई इन होगा, ठीक है, ये सीरीज बल्ब से सप्लाई जब इन होगा तो क्या होगा, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो फेज न्यूट्रल है, इसका अंदर जो टीवी का अंदर सिंगल वायर दिखाया जाता है, बट इसका अंदर दो वायर मिलता है जो फेज और न्यूट्रल हो सकता है, कुछ भी वायर, ये साइड भी हो सकता है और ये साइड भी हो सकता है, फेज इधर भी हो सकता है, न्यूट्रल इधर भी हो सकता है, बट इसका बीच में एक सीरीज बल्ब आप यूज़ करेगा तो दोस्तों वो सीरीज लाइन सप्लाई इनपुट करेगा तो क्या होगा। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सीरीज बल्ब का वोल्टेज कितना है, ठीक है। अब 100 वाट बल्ब यूज़ करेगा तो क्या होगा, 200 वाट बल्ब यूज़ करेगा तो क्या होगा, ठीक है। अब कुछ भी जो एलईडी बल्ब होते हैं वो यूज़ करेगा तो क्या होगा, ये भी ध्यान रखना जरूरी, ठीक है। तो 100 वाट बल्ब सीरीज करके सप्लाई देगा तो कुछ भी पीसीबी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल पीसीबी हो सकता है, अल्ट्रा स्लिम पीसीबी हो सकता है, सीरीज बल्ब 100 वाट ये फुल ग्लो हो सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये पीसीबी फॉल्ट है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, बट
आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सीरीज बल्ब एलईडी बल्ब यूज़ करेगा तो वो काम नहीं करेगा, मतलब प्रॉपर तरीका से ये पीसीबी ऑन नहीं होगा, बल्ब फुल ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ भी सीआरटी पीसीबी काम करने का पहले सीरीज बल्ब आप यूज़ करना चाहता हो तो आपको 200 वाट बल्ब यूज़ करना पड़ेगा। आपको क्या बात है, 200 वाट बल्ब यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि सीआरटी पीसीबी का ये पीसीबी का जो लोड 150 वोल्ट का ऊपर होता है, ठीक है। 100 ये पीसीबी का लोड 150 वाट, ठीक है, 150 वाट का आसपास और इसका ऊपर लोड आता है, ठीक है। तो आप ये 100 वाट बल्ब सीरीज करके लगाएगा तो ये बल्ब लोड नहीं ले पाएगा, ये बल्ब फुल ग्लो हो जाएगा, ठीक है। ये एक कंडीशन है। दो कंडीशन, आपको 200 वाट बल्ब लगा के टेस्ट करना पड़ेगा सीरीज लाइन के अंदर, ठीक है। और दोस्तों, सीरीज बल्ब लगाने का तरीका है कि आपको बता सकता हूँ, ये जो पीसीबी देखिए, ये पीसीबी के अंदर ये जो फ्यूज़ रहता है, ठीक है, ये जो फ्यूज़ रहता है आप अच्छा करके देखिए, ठीक है। आपका पास हो सकता है सीरीज बोर्ड नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट एसी सप्लाई इनपुट कर दीजिए और ये जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ का ओपन कर दीजिए इस तरह, ठीक है। ओपन करने के बाद पीसीबी का नीचे ये पोजीशन और ये पोजीशन पर एक 200 वाट बल्ब कनेक्शन कर दीजिए। कनेक्शन करने के बाद दोस्तों वो सेम कनेक्शन हो जाएगा जो सीरीज सप्लाई होता है। तो सीरीज सप्लाई से आपको 200 वाट बल्ब कनेक्शन करके टेस्ट करना पड़ेगा। उसका बाद आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा कि सप्लाई देने का साथ साथ फर्स्ट टाइम सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है उसका रीजन क्या है। दोस्तों, उसका रीजन जो होता है, देखिए इसी तरह जो एसी इनपुट पॉइंट है सेम तरह पॉइंट यहाँ पर भी है। तो दोस्तों, ये डिगोसिंग कॉयल का कनेक्शन पॉइंट है। तो डिगोसिंग कॉयल जो होता है वो डिगोसिंग कॉयल को सप्लाई देने के लिए इस तरह काला वाला पीटीसी देखा जाता है। दोस्तों, ये काला वाला ये बॉक्स टाइप पीटीसी हो सकता है और पीएफ टाइप पीटीसी हो सकता है। तो ये पीटीसी का काम क्या है दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ कि ये पीसीबी पर डायरेक्ट एसी सप्लाई इनपुट होता है। इनपुट होने के बाद ये डायरेक्ट सप्लाई एक सप्लाई यहाँ पर डायरेक्ट इन हो जाता है और एक सप्लाई ये पीटीसी का बाद यहाँ पर आता है और ये डिगोसिंग कॉयल का अंदर जाता है। अब अच्छा करके फॉलो कीजिए कि जब सप्लाई यहाँ पर इन हो जाता है और ये पीटीसी या मीटर से क्वांटिटी टेस्ट करेगा तो शॉर्टिंग दिखाएगा 20 ओम्स और 25 ओम्स का आसपास दिखा सकता है। तो इसीलिए ये सप्लाई जितना इनपुट होगा डायरेक्ट यहाँ पर आएगा और डायरेक्ट जो डिगोसिंग कॉयल है पिक्चर ट्यूब का बॉडी का अंदर जो कॉयल लगा रहता है उसका अंदर चला जाता है, इसी का रीजन से। तो दोस्तों, डिगोसिंग कॉयल का ओम्स आप चेक करेगा तो वो भी 20 ओम्स और 25 ओम्स का आसपास देखा जाता है। तो मतलब वो शॉर्टिंग कंडीशन है, ये भी शॉर्टिंग कंडीशन है। तो जब ये सप्लाई डायरेक्ट इन होगा, ये सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आएगा और पीटीसी का थ्रू डिगोसिंग कॉयल का अंदर जाएगा। तो दोस्तों, पूरा ही शॉर्टिंग कंडीशन होगा। इसी का रीजन से जब कुछ भी पीसीबी शॉर्ट हो जाएगा, मतलब शॉर्टिंग कंडीशन पर सीरीज लाइन से सप्लाई देगा तो वो भी सीरीज लाइन फुल ग्लो हो जाता है। बट दोस्तों, आप जरूर फॉलो किया होगा कि सीरीज लाइन से सप्लाई देने का बाद कुछ टाइम का अंदर ही सीरीज बल्ब धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन दोस्तों, ये जो पीटीसी है कुछ टाइम सप्लाई देने के बाद ये जो पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट। तो दोस्तों, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट इसका मतलब क्या है कि इसका अंदर पॉजिटिव सप्लाई इनपुट होगा तो ये लोड कंडीशन पर ये जो पीटीसी का जो रेजिस्टेंस होता है, जो आपको बताया 20 ओम्स और 25 ओम्स के आसपास होता है, तो ये पीटीसी का ओम्स बहुत ही हाई हो जाता है, ठीक है। इतना हाई हो जाएगा कि ये पीटीसी उसी टाइम काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको क्या बताया, सप्लाई देने का साथ साथ ये पीटीसी से सप्लाई यहाँ पर इनपुट हो जाता है और ये डिगोसिंग कॉयल के अंदर जब सप्लाई चला जाएगा तो उसी कंडीशन पर सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाएगा। कुछ टाइम के अंदर ये पीटीसी जब तुरंत हीट हो जाता है, जब जितना हीट होगा, हीट का वजह ये पीटीसी का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई हो जाता है। जितना हाई हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई इधर नहीं आएगा। इसका मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग कंडीशन पर ही डिगोसिंग कॉयल काम करता है। जो पिक्चर ट्यूब का चारों साइड पर कॉयल रहता है, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग कंडीशन पर ही डिगोसिंग कॉयल काम करता है और जब ये हीट हो जाता है तो डिगोसिंग कॉयल पर सप्लाई जाना बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो उसी कंडीशन पर ये पीसीबी नॉर्मल हो जाता है और सीरीज बल्ब
वो जो ग्लो काटता है वो डाउन हो जाता है और ये पीसीबी पूरा तरह से वर्किंग करता है। दोस्तों इसी का साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीरीज बल्ब जब फुल ग्लो हो जाएगा तो सप्लाई यहाँ पर इनपुट होगा और यहाँ पर भी जब शॉर्टिंग बताएगा तो ये पूरा बैकिंग हो जाएगा वोल्टेज। ये जो पावर सेक्शन प्रॉपर तरह से काम नहीं करेगा, इसका आउटपुट वोल्टेज जितना होना चाहिए सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। और उसका बाद चलिए कि ये पावर सेक्शन के अंदर कुछ भी सेक्शन कोई माने मतलब कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो जाएगा तो मतलब ये पीटीसी पूरा तरह से शॉर्ट हो जाएगा तो ये सीरीज बल्ब फुल ग्लो होगा और डाउन नहीं होगा, ये पीटीसी फुल शॉर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हो सकता है एसटीआर फुल शॉर्ट हो गया, इसी का रीजन से सीरीज बल्ब फुल ग्लो करेगा। हो सकता है कि ये जो डायोड है, ये एक डायोड है, इसका अंदर चारों लेग है, ठीक है, तो इसका अंदर दो पिन पर सप्लाई इन होता है, दो पिन से सप्लाई आउट होता है, एसी इनपुट होता है और डीसी वो बन जाता है ये चारों डायोड से। हो सकता है इसका अंदर एक डायोड नहीं है, चारों अलग अलग डायोड है, तो दोस्तों रेक्टिफाई डायोड है, दो पिन पर इनपुट होता है और दो पिन से अलग डीसी सप्लाई आउटपुट हो जाता है और वो मेन फिल्टर कैपेसिटर पर जाता है। तो दोस्तों ये डायोड फॉल्ट हो जाएगा तो तब भी सीरीज लाइन फुल ग्लो हो जाएगा और चारों डायोड जो अलग अलग दिखा जाता है तो कुछ भी एक डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो उसी का रीजन से सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है। ये मेन कैपेसिटर फुल शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है। और दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर हो सकता है, एसटीआर हो सकता है, ये भी फुल शॉर्ट हो जाएगा तो इसी का रीजन से सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसी टाइम मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि सीरीज बल्ब जब फुल ग्लो हो जाता है किस तरह टेस्ट करना पड़ेगा। मान लो कुछ भी पीसीबी हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, अल्ट्रा स्लिम हो सकता है, ठीक है। ये डिगोसिंग कॉइल को ओपन कर दीजिए, ओपन करने के बाद आप सप्लाई दे के देखिए कि सीरीज बल्ब फुल ग्लो होता है कि नहीं। मान लो फुल ग्लो नहीं हो रहा है, हल्का सा जल रहा है, तो कोई बात नहीं, इसका आउटपुट सेक्शन का आपको चेक करना पड़ेगा। मान लो ये जो योक कॉइल है, जो दोस्त ने कमेंट करके बताया कि योक कॉइल को ओपन करके चेक किया कि ये सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। उसका पहले भी बताना चाहता हूँ कि मान लो ये जो डिगोसिंग योक कॉइल का पॉइंट है, ये ओपन करने के बाद भी सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो रहा है तो क्या चेक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये योक कॉइल का वायर ओपन करने के बाद भी फुल ग्लो हो रहा है तो क्या चेक करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आउटपुट ट्रांजिस्टर जिस तरह जिस पीसीबी का आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये आपको जरूर चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो चॉपर है, चॉपर से जो अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होता है, ये जो अलग अलग डायोड देखा जाता है, ये एक एक डायोड को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है ये अलग अलग जो डायोड है, जो अलग अलग सेक्शन को सप्लाई देता है, वो सेक्शन भी शॉर्ट हो सकता है, इसीलिए एक एक डायोड को ओपन करके आपको चेक करना पड़ेगा। जिस डायोड ओपन करने के बाद ओपन करने के बाद सीरीज बल्ब ग्लो होना बंद हो गया तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो सेक्शन के अंदर ही फॉल्ट है, ठीक है। तो ये योक कॉइल ओपन करके चेक करने के बाद सीरीज बल्ब फुल ग्लो होगा तो इसके ऊपर बात है। और उसका बाद आपको बताना चाहता हूँ कि ये योक कॉइल लगाने के बाद सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसका रीजन जो होता है कि डिगोसिंग कॉइल मतलब योक कॉइल है, तो योक कॉइल फुल शॉर्ट हो जाएगा तो उसी का रीजन से सीरीज बल्ब फुल ग्लो कर सकता है। तो आपको योक कॉइल फॉल भी आइडिया लगाना पड़ेगा। उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ, और आपको ये वीडियो का जो मेन टॉपिक में आपको बताना चाहता हूँ कि वो नॉर्मल पीसीबी है कि अल्ट्रा स्लिम पीसीबी है, ठीक है। नॉर्मल पीसीबी होगा तो सीरीज बल्ब जरूर वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, बट अल्ट्रा स्लिम होगा तो वो ग्लो कर सकता है। क्योंकि ये नॉर्मल पीसीबी का अंदर देखिए ये बूस्ट पीएफ जैसा 1600 वोल्ट 400 वोल्ट वाला पीएफ दो देखा जाता है, ठीक है, 250 वोल्ट पीएफ भी हो सकता है, तो इसका अंदर दो पीएफ है। बट अल्ट्रा स्लिम पीसीबी होगा तो इसका अंदर जरूर 3, 4, 5, 6, 7 पीएफ भी आप देख सकते हो, क्योंकि उसका आउटपुट सेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और योक कॉइल लगाने का बाद तब ये सेक्शन प्रॉपर तरीके से काम करता है, मतलब प्रॉपर तरीके से जिस टाइम काम करेगा उसी का रीजन से ये पावर सेक्शन पर लोड आ जाता है, ठीक है। इतना लोड आ जाता है कि वो 150 वाट का ऊपर आ जाता है, तो 200 वाट का ऊपर लोड आ जाएगा तो, ठीक है, 200 वाट का ऊपर लोड आ जाएगा तो जिस पीसीबी तो सीरीज बल्ब फुल ग्लो करेगा, क्योंकि 200 वाट बल्ब आप लगा के टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत पीसीबी का अंदर 200 वाट का ऊपर लोड लेता है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा
डरने का कोई बात नहीं, काम करने के समय कुछ कुछ टाइम कुछ भी पार्ट्स को फॉल करना ही पड़ता है चेक करके देखने के लिए। तो आपको अल्ट्रा स्लिम पीसीबी होगा तो अब जरूर 200 वाट बल्ब लगाएगा, तब भी आपको डायरेक्ट लाइन से एक बार चेक करके देखना होगा कि क्या फॉल्ट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है, मैं प्रैक्टिकली देखा और जिस टाइम मैं न्यू था ये काम सीखा है, तो एक पीसीबी मतलब अल्ट्रा स्लिम पीसीबी को मैं हर टाइम 200 वाट लाइन से जितना बार सप्लाई दिया तो दोस्तों सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है, फुल ग्लो हो जाता है। तो मेरा दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है मैं क्या करूँगा, तो मेरा एक दोस्त को बुलाया, वो आके देखा कि मैं जब टेस्ट कर रहा हूँ तो सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है। तो वो बात है कि चल कोई बात नहीं, डायरेक्ट लाइन से सप्लाई देखिए एक बार देख क्या होगा। तो दोस्तों वो खुद ही डायरेक्ट लाइन से सप्लाई दे दिया और पीसीबी पूरा रनिंग हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों उसी टाइम मेरा दिमाग पर यह आ गया कि सीरीज लाइन से 200 वाट बल्ब टेस्ट करेगा तो वो अल्ट्रा स्लिम पीसीबी होगा, तो हो सकता है सीरीज बल्ब फुल ग्लो करेगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप फॉलो कीजिए कि अल्ट्रा स्लिम पीसीबी को कैसे आप आइडेंटिफाई करें, अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब को कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। सब कुछ डिटेल्स ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप फॉलो कीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हूँ तो इसका ऊपर मैं ऑलरेडी एक टेलीग्राम ग्रुप मैं बना के रखा हूँ, ठीक है, वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चल रहा है। तो मैं बहुत टाइम बिजी रहता हूँ, आप वहाँ पर डिस्कस करेगा तो वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा टेक्नीशियन है, ठीक है, तो आप भी डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू ये वीडियो फुल आज करने के लिए।